यदि 11 क्वालिटीज आप में हैं सक्सेसफुल लोगों की, तो सक्सेस हासिल करने की संभावना आप में बहुत बहुत बढ़ जाती है। आपको एक्चुअली कोई नहीं रोक सकता। इन 11 क्वालिटीज में से बहुत सारी क्वालिटीज आप में होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप खुद देखना, असेस करना, लिखना कमेंट बॉक्स में, और हो सकता है कि कुछ क्वालिटीज मिसिंग हो जिन्हें आप इवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 11 क्वालिटी में बताओ, उसके पहले सक्सेस है क्या? सक्सेस हर इंसान के लिए अलग अलग है। किसी के लिए सक्सेस बहुत पैसा कमाना है, किसी के लिए सोशल सर्विस करना, किसी के लिए बहुत नाम कमाना, किसी के लिए अपनी रिलेशनशिप को बेहतर करना, किसी के लिए अपनी हेल्थ अच्छी बनाना, किसी के लिए सिक्स पैक बॉडी बनाना, बहुत खूबसूरत हो जाना। तो सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग है। अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करना, तो सक्सेस हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। साथ ही साथ में सक्सेस हर उम्र में अलग अलग होती जाती है, उसकी डेफिनेशन आपके लिए। जैसे कि 1 साल की एज में आपके लिए उठकर चल पाना, ये एक सक्सेस थी। आज हो सकता है कोई एग्जाम को क्रैक करना 6 मार्क्स से, ये आपके लिए सक्सेस हो। या आगे चल के सक्सेस की डेफिनेशन मेरे लेवल पर सक्सेस, मैं जितने ज्यादा लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकूं, एजुकेट कर सकूं, फीड कर सकूं, मेरे स्तर पर मेरी सक्सेस की डेफिनेशन ये होगी। तो हम सब की डेफिनेशन अपनी अपनी एज, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होगी। ये 11 पॉइंट्स आपको किसी भी स्तर पर आप हैं तो उसमें भी मदद करेंगे। मैं खुद भी इन्हें फॉलो करने की कोशिश अपने जीवन में करता हूं या करूंगा, ठीक है? तो हम मिलकर करते हैं और समझते हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, सक्सेस के वो तत्व क्या है। सबसे पहला, हर सक्सेसफुल व्यक्ति ड्रीम करता है, बड़े सपने देखता है, अपने गोल्स को सेट करता है और उनको पैशन के साथ अचीव करने की पूरी कोशिश करता है। तो ये आपको हर सक्सेसफुल व्यक्ति को, यदि आप रिट्रोग्रेड हिस्ट्री उठाएंगे, दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल पर्सन, यदि वो सिर्फ उसको विरासत में यदि सक्सेस नहीं मिली है तो उसमें ये क्वालिटी होगी। वो ड्रीम बिग उसको ड्रीम रहेगा, खुद के व्यक्तिगत ड्रीम, सामाजिक ड्रीम, राष्ट्रीय ड्रीम, किसी भी स्तर पर कॉन्ट्रीब्यूट करने के वो बड़े सपने देखेगा। दूसरा आता है, यदि दूसरा क्वालिटी, जो लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं ना, तो उनमें तो ये क्वालिटी डेफिनेटली है, और वो क्वालिटी है सेल्फ डेवलपमेंट, अपने व्यक्तित्व में निखार लाते रहने की कोशिश करना या कुछ ना कुछ लगातार सीखते रहना। यदि आप में ये आदत है तो आपको सक्सेस की तरफ आप ऑलरेडी ट्रैक पर जा चुके हैं। ये बचपन से बच्चों में आदत डाल दिए जाने चाहिए कि कभी वो कुछ भी जो उनको मनपसंद करे, जो उनको मोटिवेट करे, उनको डांस सीखना हो, उनको सिंगिंग सीखनी हो, उनको म्यूजिक हो, चित्रकारी हो, डिबेट कॉम्पिटिशन हो, बोलना सीखना हो, कोई लैंग्वेज पर कमांड हो, गिटार बजाना सीखना हो, उनको पढ़ाई में कुछ नया सा सीखना हो, कुछ ना कुछ सीखने की आदत, अपनी कम्युनिकेशन पर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी हो, अपने लुक्स पर, ये सभी सेल्फ डेवलपमेंट पर के आस्पेक्ट्स हैं। तो अपने आंतरिक और बाहरी डेवलपमेंट पर जो लोग काम करते हैं, और ये ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो लगातार इस पर वर्क कर रहे होते हैं, तो ये क्वालिटी को अपनी देखिए। तीसरा, बेहद महत्वपूर्ण है, हम सबकी जिंदगी में जो लोग भी स्क्रैच से बनकर उठते हैं, ठीक है, जो कुछ भी नहीं है या अपने जिस भी स्तर से वहां से आगे जाते हैं, चाहे वो आपका टारगेट गरीबी से अमीरी का हो, चाहे गुमनाम से बहुत फेमस का हो, या दूसरों को कंट्रीब्यूट करने का हो, जिस भी स्तर का हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य, ठीक है, पेशेंस। आप में धैर्य होना चाहिए और अपनी चीजों को मॉनिटर करते हुए, ये भी नहीं कि धैर्य मतलब ऐसे निढाल होकर बैठे हुए, नो, आप जो कर रहे हैं उसका, उसमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, उसको वर्कआउट करते हुए जो धैर्य है, लेकिन आंतरिक रूप से बिना उद्वेलित हुए, बिना दुखी हुए, ठीक है, तो ये क्वालिटी बहुत जरूरी है। फोर्थ क्वालिटी है रिस्क। दुनिया की सबसे बड़ी रिस्क पता है आपको क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी रिस्क है रिस्क ना लेना। जो लोग बिल्कुल सेफ खेलते हैं वो कभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना होगा, ठीक है, वो डूबने का जो डर होता है, पानी के अंदर चले जाने का डर होता है, उस डर को आजमाना होगा। आप जब चलना सीखे थे जब 1 साल के थे, तो गिर जाते थे कई बार। यदि आप गिरते नहीं, वो डर आपको रहता कि मैं गिरना नहीं चाहता हूं, तो आप चलना नहीं सीखते। तो रिस्क लेना, चाहे प्रोफेशन में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, थोड़ा रिस्क लेना बेहद जरूरी है, ठीक है। और रिस्क डेफिनेटली कैलकुलेटेड होना चाहिए, ब्लाइंड रिस्क नहीं, अपनी कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, अपनी क्षमताओं, अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, जो कि सक्सेसफुल लोगों में होता है, वो है दूरदर्शिता, विजन और प्लानिंग। ये लोग एल्गोरिथमिक अप्रोच रखते हैं,
चीजों को उस तरह से देख पाते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, इसमें नुकसान की संभावना इतनी है, फायदे की इतनी है, इस तरह से करके वो अपने जीवन को मॉडिफाई करते हैं, अपने डिसीजंस को मॉडिफाई करते हैं। तो उनमें दूरदर्शिता बेहतर होती है और विजन होता है, एल्गोरिथमिक अप्रोच होती है। छठवां, जो कि हम में से बहुत लोग नहीं करते, आप में से भी बहुत लोग नहीं करते होंगे, मैं खुद भी इसमें वीक हूं, वो है हम सोचते बहुत ज्यादा हैं लेकिन हम पहला कदम नहीं उठाते। तो छठवां है पहला कदम उठाना। सक्सेसफुल लोग हमेशा वो कदम जल्दी उठाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो पोटेंशियल होता है, सोच बहुत अच्छी होती है, हार्डवर्क की इच्छा होती है, पैशन होता है, ड्रीम होता है, कम्युनिकेशन होता है, सेल्फ लर्निंग की जो भी क्वालिटीज मैंने अभी तक बताई वो सब होती हैं, लेकिन वो पहला कदम नहीं उठा रहे होते। आप में से कितने लोग हो सकता है यूट्यूब पर आते हो, यूट्यूब चैनल शुरू करके कुछ उसको पॉपुलर करने के लिए, बट बहुत सारे लोग अभी तक यूट्यूब चैनल शुरू नहीं किए होंगे, बस उसका अध्ययन कर रहे होंगे। तो अध्ययन कीजिए, विचार कीजिए, लेकिन उसके साथ ही साथ में कदम जरूर उठाइए, पहला कदम बेहद जरूरी है। सातवां, यदि आप में दुनिया भर के सारे टैलेंट और क्वालिटीज हैं लेकिन ये नहीं है ना, तो आप कभी ना कभी लूजर ही रहेंगे, और वो है कमिटमेंट्स। आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं कि नहीं, आप अपने वादों को दूसरों से जो करते हैं उनको पूरा करते हैं कि नहीं। कभी कभार मजबूरी में हम सब नहीं कर पाते हैं वादों को पूरा, तो उनको क्या आप दूसरे जिसको जिससे वादा किया उसको उसे कम्युनिकेट करके बताते हैं रीजन कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, और क्या आप पूरी सिंसियरिटी से उस कमिटमेंट को निभाने की कोशिश करते हैं। वो क्या है ना डायलॉग, एक बार मैंने कमिटमेंट करती तो खुद की भी नहीं सुनता। तो सलमान खान का जो ये डायलॉग है ये इंपॉर्टेंट है। जो लोग दूसरों के कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, दूसरों से किए कमिटमेंट्स को या फ्रीक्वेंटली करते हैं और भूल जाते हैं, वो खुद के प्रति भी बहुत कमिटेड नहीं रह सकते, इसीलिए वो वीक पर्सनैलिटी होते हैं, और सक्सेस हासिल करने की जो पाथ है उसमें एक बड़ा रोड़ा खुद के आंतरिक मन में होता है। तो इसे आप देखिए, आत्मावलोकन कीजिए और इम्प्रूव कीजिए। तो अगेन, ये लेक्चर वैसा वाला नहीं है खूब बड़ा हॉल और खूब सारे ताली वाली, आपको प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो आपके दिमाग में रिटेन हो और लाइफ में काम आए उस तरह का लेक्चर ये होगा, ठीक है। अब आते हैं हम, आठवां पॉइंट है कम्युनिकेशन एंड कनेक्ट। दूसरों से आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में सक्सेस आप अकेले अपने दम पर नहीं हासिल कर सकते, आपको साथ चाहिए होता है लोगों का। तो वो लोगों का साथ कैसे मिलेगा, उसके लिए सिंपल है, कम्युनिकेशन सीखने के लिए मैं अलग से वीडियो डाल चुका हूं कि कैसे आप बेहतर कम्युनिकेशन स्किल रखें। उसके लिए सिंपल है, आप जो है वो नेचुरल रहें लेकिन आंतरिक भावनाओं को दूसरों के प्रति अच्छी रखें, उनके लिए अच्छा सोचें, तो आपका जो भी बॉडी लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज है, वो निखर कर आएगी, ठीक है, लोगों को अच्छा लगेगा, आप अपने आप दिल जीतना शुरू कर देंगे। देन हम आते हैं पॉइंट नंबर नाइन्थ नंबर है रेजिलियंस। रेजिलियंस का अर्थ है गिर के उठ खड़े होना, मतलब हार नहीं मानना, हार मानी फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। स्टीव जॉब्स देखिए पूरी तरह से क्रश डाउन हो गए थे, उनको ऑलमोस्ट बेरोजगार हो गए थे और वो फिर खड़े हुए। तो जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपमान से, हार से इससे अफेक्टेड नहीं होते, ठीक है, फिर खड़े होते हैं, उसको उससे अफेक्ट होते हैं लाजिमी स्वाभाविक है, लेकिन फिर से खड़े होने का भी उनको उनमें उतना ही जज्बा होता है। जो गांधी जी थे उनका तो एक अपमान हुआ था अंग्रेज के द्वारा, और उसके बाद वो उनमें वो लीडरशिप की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने एग्जीक्यूट किया उसको। तो कई बार अपमान आपका, आपको कोई हार, कोई लॉस आपको बहुत ज्यादा बूस्ट दे सकता है जीवन में, तो उससे परेशान मत होके आप में यदि ये क्वालिटी है कि आप फिर से उठ खड़े हो। एक बार आप अटेम्प्ट लग जाता है, फेल हो जाते हैं, आप सोचते हैं नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, ये सब फालतू की बातें, यूपीएससी में नहीं हुआ, कोई भी एजुकेशन आपकी सक्सेस किसी भी एजुकेशन की मोहताज नहीं है, और कोई भी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन आपको 100% गारंटी नहीं देता सक्सेसफुल होने की, ठीक है। तो आप एग्जाम में फेल हुए, जिंदगी में फेल नहीं हुए यदि हुए हैं कभी तो, ठीक है। टेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल लोग हमेशा वो करते हैं जो उन्हें पसंद होता है, जिससे वो प्यार करते हैं, तो इस वजह से उनको जिस चीज में मजा आ रहा होता है वो चीज ऑप्ट करते हैं ना करने के लिए, तो इसलिए उनको काम काम की तरह नहीं लगता। जैसे कि मैं मेडिकल में हूं, मैं टीचिंग करना मुझे बहुत पसंद है, पेशेंट देखना मुझे पसंद है, तो मैं घंटों काम करता रहता हूं, उसके बाद ये यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं क्योंकि मुझे इसमें भी मजा आता है, क्योंकि ये भी एक तरह की टीचिंग है। तो आप यदि ऐसा काम अपने लिए ऑप्ट करते हैं जिसमें आपको मजा आता है, तो काम के घंटे आपको खेल की तरह हो जाते हैं, एक मनोरंजन होता है वो आपके लिए, ठीक है, आप उससे रिलैक्स होते हैं उस काम से। तो सोचिए यदि इतने पैशन से कोई कर रहा हो व्यक्ति, तो वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको।
और 11th आता है, हर सक्सेसफुल व्यक्ति में एक अजीब सा भीतर से आत्मविश्वास होता है। वो आत्मविश्वास उसकी सच्चाई का होता है, उसकी अचीवमेंट, उसकी एनालिसिस जो उसके उसको अपने व्यक्तित्व या क्षमताओं को लेकर उसको लेकर आत्मविश्वास होता है। तो ये आत्मविश्वास उसको सक्सेसफुल बनाता है। अब आते हैं बात की 11 में से, मैं कहूंगा कम से कम 8 पॉइंट यदि आप में है तो आप ऑलरेडी उस ट्रैक पर हैं जिसमें बहुत सफलता मिलनी है, और 11 के 11 हैं तो फिर बात ही क्या है, और 8 से कम है तो उस पर वर्क ऑन कीजिए। इनमें से कुछ पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ कम इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि आत्मविश्वास एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस ऑर्डर में मैंने नहीं लिखा है। ड्रीम करना, सपने देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लेकिन हर पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको प्रैक्टिकल मोटिवेशन देगा। मैं इसको जो अपनी मोटिवेशनल क्लासेस होती है मैं उनको मोटिवेशनल क्लासेस वैसी ना कहकर प्रैक्टिकल मोटिवेशन बोलता हूं, कि आपको ऐसा मोटिवेशन मिले जो सुनते समय सिर्फ मजा ना आए और आप भूल जाएं, ताली बजाएं, हंसे हंसे, बल्कि आप यदि उसको इंटरनलाइज कर सकें, उसको अपने भीतर समा सकें, तो आपकी जिंदगी में बदलाव हो, और साथ ही साथ में आप उसको समझ सकें। ये जिम्मेदारी भी मेरी है ना कि आपको जो मैं समझा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ आए। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो लोगों को मुझसे जोड़िए, हम एक अच्छी कम्युनिटी बनकर सच्चाई से हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।